अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिलाई वाले क्रोशिया से ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह नॉर्मल चेन बनानी है। 1, 2, 3। ट्वेंटी चेन्स बना लिए। अब हमने सेम उसी तरह जैसे पिछली वीडियो में बताया था, इस तरह 1-1 में से इस तरह लेके होल्ड करते जाना है। लिए इसके बाद हमने 2-2 में से इस तरीके से गुजारना। अब ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ऊन का दूसरा कलर लगाना है, ये पिंक। अब इस तरह से ये कलर हमने चेंज कर लिया है। अब हमने इसको इसके ऊपर इस तरह रैप करना है और 2 लूप्स ये वाली लेनी है इस तरीके से, इस तरह, और दोनों में से इस तरह गुजार लेना है, ये इस तरह। फिर आप सेम इन्हीं दोनों में से दोबारा से गुजारेंगे, लेकिन ऊन को इस तरह आगे की तरफ रखेंगे और इस तरह इसमें से इस तरीके से गुजार के इसको इधर थंब की मदद से होल्ड करना है। और ये 3 लूप्स फिर इधर रैप करना है और आगे वाले ये 2 लूप्स में से इस तरीके से गुजारना है और इस तरह। फिर इस ऊन के इस हिस्से को इधर से आगे रखना है और दोबारा से और क्रोशिया हुक को इधर से इस तरह थंब की मदद से इसको होल्ड करना है और ये अब इस तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने इसको इस तरीके से पहले ये जो फर्स्ट वाला है 1, इसमें से इस तरीके से गुजारेंगे और फिर इन 4, 1 ये और 3 ये हैं, इन 4 लूप्स में से एक साथ इस तरह गुजार के और 1 चेन से इसको लॉक कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर से अब हमने इस तरीके से इन 4ों में से इस तरह गुजारना है और 1 चेन से इसको लॉक कर देना है। इस तरीके से ये इस तरह लेके इन 4 में से एक साथ गुजार के इसको 1 चेन से लॉक कर देना है। इसी तरह ये पूरा राउंड इसी तरह चलेगा। ये लास्ट है और ये
ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम वाइट धागा ऊपर ले आएंगे और पिंक धागे को पुल करके नीचे कर देंगे। अब हमने एक ये जो नीचे ये वाला हिस्सा इसका बनाया है, ये वाला, इसके ऊपर जो हमने एक चेन बनाई थी इसको लॉक करने के लिए, एक उस चेन में से गुजारेंगे इस तरीके से, ये इस तरह, एक इसमें से और एक ये जो सेंटर में चेन बनाई थी उसमें से, ये एक इस वाले के ऊपर से और एक सेंटर में से, ये इस तरह से, ये पूरा राउंड एंड तक इसी तरह चले। इस तरह ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया और सिंपल उसी तरह दो दो में से इस तरह गुजार के ये कंप्लीट हो गया। अब ये वाला डिज़ाइन इस तरह कंप्लीट हो गया है। ये इसी तरह ऊपर भी उसी तरह बनेगा, सेम इसी तरह जैसे पहले हमने बनाया था। इसके ऊपर इस तरह रैप करना है और इन दो लूप्स को इस तरीके से लेके इस तरह वन सिंपल और फिर सेम इसी में से इन्हीं दो लूप्स में से इस तरीके से लेके इसको थंब की मदद से होल्ड करना है और इसको रैप करके इस तरीके से सिंपल, ये इसी तरह सेम, ये इस तरह फिर डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह सेम उसी तरह ऊपर भी उसी तरह बनेगा डिज़ाइन, ये इस तरीके से किसी भी बेबी स्वेटर या बड़ी स्वेटर में आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अपनी आने वाली नई वीडियो में आपको नित नए डिज़ाइन बनाने सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।